सामने एक नए टीएलएम के साथ, और ये टीएलएम है मैथ्स का, और हम इस टीएलएम के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि एंगल यानी कि कोण कैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, ये टीएलएम जो है हमारे सामने है, ये टीएलएम। इस टीएलएम के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं कि एंगल यानी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, और ये कोणों को कैसे पहचाना जा सकता है कि कितने अंश का कोण कौन सा कोण होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि बच्चों को एक ओरली हम बता देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से बताया हुआ है कि कौन कौन से कोण होते हैं, ताकि वो उन कोणों को पहचान सके। कि हमारे यहाँ हमने बना दिया है कि 45 अंश का कोण, तो वो ये जान सके कि 45 अंश के कोण को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे या ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो ये इस तरीके से इसके माध्यम से हम बता सकते हैं, जैसे बच्चों को दिखाकर ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये बना हुआ है, और ये यहाँ से अगर इस जो इसका घुमाते हैं ये चक्के कोण इस तरीके से देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर देखिए कि 90 का बना है, 90 से कम आ रहा है तो कौन सा एंगल होगा। अगर हम घुमाते इसी तरह से आगे जाते देखते हैं, यहाँ पर आते यानी कि 90 से ये उधर की तरफ जा रहा है तो कौन सा एंगल होगा, बच्चों को बताना है। फिर इस तरीके से हम पूरे एंगल यानी कि पूरा चक्का घुमाते जाएंगे, और हम इस तरीके से एक बार में संपूर्ण कोण तक के यानी जितने भी हैं, रिज कोण है या बृहद कोण है, कौन से कोण है, ये सारे कोणों की जानकारी हम बड़े आराम से बच्चों को दे सकते हैं कि एक्यूट एंगल कौन सा है, राइट एंगल कितने का होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पर प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, प्रैक्टिस भी हम करा सकते हैं इस तरीके से कि अगर हमने ये इस चक्के को यहाँ तक कर लिया, और अब हम बच्चों से पूछेंगे कि यहाँ पर अभी कौन सा एंगल बनेगा, तो बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि बृहद एंगल नहीं जा सकते हैं, नहीं बता पा रहे, तो उनको यहाँ से हम समझा सकते हैं कि किस तरीके से न्यून कोण से आगे अधिक कोण में आएंगे, यानी एक्यूट से ऑब्ट्यूस में आएंगे, रिफ्लेक्स में आएंगे, तो कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं बच्चों को। और यहाँ पर हम देखिए घुमाकर बता सकते हैं कि ये सीधी लाइन बन रही है तो ये कौन सा होगा एंगल यहाँ पर, और इस तरीके से संपूर्ण एंगल तक का बच्चों को बहुत ही कॉन्फिडेंस के ये समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे बच्चे कि हम एंगल के बारे में पूरी जानकारी हम बच्चों को ले सकते हैं, दे सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं, बोर्ड पर नाम लिख सकते हैं कि जैसे मैंने हमने एंगल के लिख दिया 45 अंश का, 110 का, 100। अब बच्चे पहचाने कि 45 अंश का कितने कौन सा कोण है, या 110 का कौन सा कोण है, या 240 का कोण कौन सा कोण है, या 180 का, या 360 का। इस तरीके से पूरी हम इस मॉडल के हिसाब से बता सकते हैं और बिल्कुल पक्के करा सकते हैं एंगल, और ये 6th, 7th, 8th के लिए तो तीनों ही क्लासों में बहुत ही उपयोगी है, साथ ही प्राइमरी लेवल पर भी बहुत ही उपयोगी है। हमारे विद्यालय की क्लास 8th की गौरी कसेरा ने इसको बनाया है, और वो बुलाते हैं इसको, गौरी इधर आ जाओ, और वो बताएं कि इसमें क्या बहुत ज्यादा पैसे का खर्च हुआ या बहुत ही कम पैसों के खर्च से ये बनाया जा बताया, बताओ मैडम। बहुत ही कम खर्च से बना हुआ, ये गत्ता आपको मिल जाएगा, सामान्यतः गत्ता हुआ है, इस पर एक चार्ट पेपर काट के लगा लिया गया है, और साथ में जो ये कलर पेपर है इसमें देखिए दो पीले और ये तीन कलर लिए गए हैं, ऑरेंज और ये इस तरीके से, और ये स्केच पेन से केवल लिख दिया गया है। बस आपको क्या करना, थोड़ी सी गाइडेंस बच्चों को देनी है, और बच्चे बड़े आराम से इसको बना लेते हैं, और बहुत ही अच्छा ये मॉडल क्लास में जब स्कूल में विद्यालय में रखा होगा तो बच्चे इसे देखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि एंगल क्या होता है और एंगल कितने टाइप के होते हैं। थैंक यू।